दोस्तों नमस्कार, सभी भाई का फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वैदिक पंचगव्य पर। दोस्तों आज एक ऐसी खास चीज को मैं कवर कर रहा हूं जो कि बहुत ही रेयर है और बहुत ही कम देखने को मिलती है। ये प्योर राठी नस्ल का जो हम सांड देख पा रहे हैं सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का सांड है। आप इसका गलकंबल चेक करें, बहुत ही एकदम हैवी गलकंबल है। और इसके और जो स्पेशली जो राठी ब्रीड अपने आप में जो एक खास चीज के लिए जानी जाती है वो है इसकी, अगर हम राठी की पहचान करें तो इसकी जो नेवल फ्लैप है आप सामने देख पा रहे हैं, लंबी सुंडी जो कि है कम से कम 10 से 12 इंच की इसकी सुंडी होनी चाहिए, वो आप इसमें बुल में आप देख पाएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की इसकी नेवल फ्लैप है। और स्पेशली मैं बताना चाहूंगा जो इसके टेस्टिकल हैं, टेस्टिकल इसके बिल्कुल एकदम डिफरेंट हैं, टोटली डिफरेंट कलर के टेस्टिकल हैं और काफी हैवी टेस्टिकल हैं। हालांकि इस बुल की भी सेवा नहीं की गई है और जैसे जैसे आप इसमें अगर आप राठी की ब्रेडलाइन पे अगर आप काम करेंगे तो ये जो राठी की ब्रेडलाइन है ये ऊपर से वाइट है और नीचे से भी पूरा वाइट है, जो कि एकदम डिफरेंट टाइप की ब्रेडलाइन है और बहुत ही पुरानी ब्रेडलाइनों में से एक है। और अगर मैं इसके सिंगों की बात करूं तो उसकी जो तो ये मीना इसको बोलते हैं, जिसके सिंग नीचे की तरफ हैं और इसके दोनों सिंग इसके हिलते हैं। आप इसके देख पाएंगे कि ये इस तरह से सिंग हिलते हैं इसके, और ये दूसरा सिंग भी हिलता है। ये भी बहुत ही मतलब एक मेन पहचान है और काफी शरीफ बुल है। बहुत ही इसका बढ़िया हम्प है, हम साइज बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का है। और ये अभी जो ये ब्लैक कलर आपको दिख रहा है ये बेसिकली डार्क रेड कलर होके हुआ है। इसके जो बच्चे हैं, बच्चे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इसके बच्चे आते हैं। और इसका टेस्टिकल जो है वो स्किन कलर के हैं, मतलब इसकी बॉडी पे जो कलर पैटर्न है सेम उसी पैटर्न के इसके टेस्टिकल हैं। आप देख पाएंगे जी इसके टेस्टिकल का, इसका साइज बहुत अच्छा है, बहुत एकदम हैवी टेस्टिकल है और एकदम जो इसके बॉडी पे जो पैटर्न होने चाहिए वही का सेम एकदम नेवल फ्लैप पे भी वही पैटर्न है, पिंक और ब्लैक कलर। और ये इसके टेस्टिकल भी वही पिंक एंड ब्लैक कलर के टेस्टिकल हैं। और अभी जवान बुल है, ज्यादा एज नहीं है इस बुल की, छोटा मुंह है इसका। अगर मैं इसकी मुंह फेस कट की बात करूं तो जो एक राठी में एक जो एक मेन पहचान होती है कि छोटा फेस होना चाहिए, लंबा फेस नहीं होना चाहिए राठी का। और कानों का पैटर्न भी इसका बहुत बढ़िया है, हालांकि इसकी सेवा नहीं हुई है। अगर इस बुल की सेवा हो जाए तो ये बहुत बेहतरीन अच्छी क्वालिटी में ये इसकी अच्छी अच्छा इसका बॉडी स्ट्रक्चर बन सकता है, क्योंकि ये अभी इस परिवेश में है। आप देख सकते हैं ये किस माहौल में यहाँ पे पला बड़ा है, यहाँ पे गोबर है, पुराली है, कोई साफ सफाई की पूरी व्यवस्था नहीं है। और इस तरह से पूरी ये बफेलो आप सामने देख पाएंगे और ये ऐसी खुली गायें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी इतना अच्छा खान पान नहीं है इसे, और खान पान ना मिलने की वजह से इसमें ये थोड़ी सी कमजोरी जरूर इसमें है, लेकिन काफी शांत बुल है। और यकीनन इसकी जो आने वाले दिनों में जो अगर हम इसकी प्रोजनी हम ले पाए तो एक बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं जी, भाई हाथ घुमाना इसमें, हाथ घुमा एक बार, ये आप देख सकते हैं जी, बहुत ही शांत स्वभाव का ये बुल है। और हाथ घुमाओ, ये आप देखिए जी, टेस्टिकल इसके बहुत हैवी हैं, बहुत ही एकदम हैवी टेस्टिकल है जी। वाह वाह, ये देखो, छोड़ दो। और इसके नेवल फ्लैप तो अपने देख ही लिए जी, कलर पैटर्न मुझे बहुत बहुत ही शानदार लगा है। राठी जो है वो अपने दूध लंबे टाइम तक दूध देने वाली ब्रीड है और उसके दूध में फैट परसेंटेज भी ज्यादा पाई जाती है, इसी कारण से राठी गायें भाई हर एक माहौल में एडजस्ट हो जाती हैं, कम खुराक है, बहुत कम खाती हैं और दूध उत्पादन काफी अच्छा है। और इसकी अगर मैं बात करूं कि इसकी मदर की, भाई इसकी मदर का, इसके माँ का दूध कितना था, 16 लीटर एक दिन का, 8 लीटर सुबह शाम का। भाई 8 लीटर दूध मैं मानता हूँ कि इस तरह से खाली सूखी पराली खा के अगर 8 लीटर दूध दे रही है तो मतलब ठीक है। और आप अच्छा ये वाली जो बछड़ी है ये भी इसी तरह की है, भाई देखते हैं, आप देख सकते हैं इसके
इसकी एक बछड़ी मैं दिखाता हूँ, इसकी बछड़ी निकाल कर लाना, बछड़ी खांगी, और इसे कुछ मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ कि इसके बच्चे कैसे आ रहे हैं। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं ये गायें तो इस तरह की लाल रंग की है, लेकिन इसकी जो बच्चे हैं, बच्चे बहुत अच्छे आ रहे हैं इसके। बस वहीं पकड़े, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दो छोड़ दो। ये आप इसकी बच्चे, आप इसके बच्चे देखेंगे जी, बच्चे देखिए आप इसके, किस तरह के बच्चे आ रहे हैं इसके। इसकी इसकी ये एक इसकी बछड़ी है, बछड़ी आप देखेंगे जी, इसका नेल हुई लंबी सुंडी है, और ये अपने फादर पे गई है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी अच्छी बछड़ी है। कलर पैटर्न इसका बहुत अच्छा है। छोड़ दो भाई इसको, छोड़ दो जाने दो। और इसके छोटे छोटे बच्चे मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि इसके बच्चे कैसे हैं, इस सांड के बच्चे कैसे आ रहे हैं वो मैं आपको जरूर अभी दिखाता हूँ। दोस्तों ये एक बछड़ी है जी इसकी, और एक बछड़ी वो है, ये आप बछड़ी देखिए जी इसकी, बहुत ही बढ़िया एकदम अच्छे कलर पैटर्न में है, वही लंबी सुंडी है और पूछ इसकी वाइट है। ये आप देख सकते हैं जी, इसके कलर पैटर्न भी वही एकदम अपने फादर बुल पे गई है ये, और एक बछड़ी इसकी वो भी है आगे। भाई एक ये बछड़ी और है, ये भी इसी की है, आप देख सकते हैं इसका कलर पैटर्न किस तरह का है। भाई एक ये बछड़ा और है इसका, ये भी बिल्कुल एकदम इसी पैटर्न में है, ऊपर से नीचे से पूरा व्हाइट है और बीच में से ब्राउन कलर है। इसके बच्चे अच्छे आते हैं, बाकी डिपेंड करता है कि इस तरह की ब्लड लाइन पे काम किया जाए। भाई दोस्तों आपने इसका कलर पैटर्न देखा, और ये काफी भाइयों की डिमांड आती है कि इस पैटर्न में हमारे को गायें चाहिए। भाई गायें तभी आएंगी जब आप बुल पे काम करोगे, और इन भाई ने बहुत अच्छा काम किया है। भाई आना एक बार, यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ घुमाओ उस पे। आपका नाम क्या है? हुसैन। हुसैन भाई ये मुस्लिम गुज्जर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने मेरे को इनको देख के बहुत खुशी महसूस हुई कि इन्होंने राठी ब्रीड पे अभी तक इन्होंने अपने राठी बुल को संभाल के रखा हुआ है, जबकि इनके पास मैं देख सकता हूँ कि लाल रंग की गायें ज्यादा हैं। जिस तरह की एक ये मैं आपको गाय दिखाता हूँ जी, ये लाल रंग की गायें ज्यादा हैं इनके पास में, और इन्होंने राठी ब्रीड पे अच्छा काम किया है। भाई ये बताओ, इसकी दादी का वगैरह का दूध आज कितना था? दादी का दूध था 24 लीटर। 24 लीटर था एक दिन का, 24 लीटर दूध। अच्छा, इसी कैसे रंग की थी वो? वो इसी रंग की थी, इसी रंग की दादी थी। इसे थोड़ा सा गदरा ज्यादा आता था उसमें। अच्छा, सफेद ज्यादा आता था। ठीक है, तो इसकी माँ का फिर ऐसे कम कैसे होगा? वो तो दठे दठे के। इसकी नानी नूनी का क्या? इसकी नानी भी तुम्हारे पास थी? हाँ नानी थी इसकी। कितना दूध था इसकी नानी? 24 लीटर दूध था। नानी का भी? दादी 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 और नानी का? नानी का इसकी 24 लीटर दूध था। दादी का? दादी नहीं। अच्छा भाई, ये कह रहा है कि इसकी नानी का 24 लीटर दूध था, और ये लेकिन अब ये क्या कि इन्होंने मैनेज अच्छे से नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि ये गोबर भी बिल्कुल पतला कर रहा है, मतलब इसका डाइजेशन सिस्टम खराब है, और अगर इसको अच्छे से केयर की जाए तो ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन बुल बन सकता है। भाई इसको बेचना चाहे तो बेच दोगे क्या? हैं, बेच दोगे? क्या कीमत मांग रहे हो उसकी? चलो ठीक है भैया, आप देख सकते हैं एक कितना, ये तो चिचड़ी बहुत ज्यादा लग रही है इसको। हाँ भाई दोस्तों, इसके जो है ना ये रूडीमेंट्री टीट्स भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके रूडीमेंट्री टीट्स आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं जी, ये आप देख सकते हैं जी, रूडीमेंट्री टीट्स छोटे छोटे थाने इसके, और इसका टेस्टिकल बहुत बढ़िया है जी, बहुत शानदार टेस्टिकल है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। इसका लंबी नेल फ्लैप है, सुंडी काफी लंबी है, जो कि प्योर राठी गाय की एक पहचान होती है। इसकी जो बछड़ियां हैं वो भी इतनी ही लंबी सुंडी की आएंगी, और इसकी हाइट जो है वो एक मीडियम साइज की हाइट होनी चाहिए, और बुल बहुत शानदार है, काफी अच्छा शांत बुल है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी भाई राठी ब्रीड पे काम कर रहे हैं, अगर उनको इस तरह के बुल का सीमन अवेलेबल हो जाए, तो आने वाले दिनों में वो नस्ल सुधार करके और काफी अच्छा काम कर सकते हैं इन राठी नस्लों पे। भाई ये इसकी उम्र के लगभग कितनी होगी? उम्र 4-4.5 साल। भाई ये 4.5 साल बता रहे हैं इसकी उम्र, और ये जवान बुल है, और
गाय करता आराम से? अच्छा, इसके जैसे इसने 10 गाय की है तो बछड़ी और बछड़े कितने आते हैं? बछड़े जैसे बछड़ी आती है 7 हो गई, जैसे 8 हो गई। अच्छा, बछड़ा तो एक आधे आता है। बछड़ियाँ ज्यादा आती हैं इस सांड की है? ये आपने अभी देखा है ना बछड़ी? हाँ, बछड़ियाँ काफी हैं भाई इनके पास में, बछड़े कम आते हैं इस सांड के और बछड़ियाँ ज्यादा आती हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस सांड को किसी तरीके से अपने पास में लिया जाए। और बहुत ही शांत स्वभाव का ये नंदी है, मारता नहीं है, बाकी अपने पास आएगा तो ये इसको और भी अच्छा हम लोग इसको तैयार कर पाएंगे, अच्छी हम लोग सेवा कर पाएंगे। ये आप देख सकते हैं, बस निकाल दे, यहाँ से निकाल दे भाई। अगर इस सांड की अच्छे से सेवा की जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन ब्रीड का कलर पैटर्न का, बहुत अच्छे कलर पैटर्न का नंदी है। आप ये देखिए कि ये इस तरह की लाल गायों पे, और अगर गदरे बच्चे आ जाएं, अपने जैसे बच्चे लाइए, और तो ये इसका मतलब इसका जीन्स बहुत स्ट्रांग है। और आपने इसकी बछड़ियां देखी हैं, छोटी छोटी बछड़ियां बिल्कुल एकदम इसी की कॉपी आई हैं। और इस तरह के ब्रीड, जो राठी ब्रीड के जो पहचान थी वो खत्म होती जा रही है, ये ब्रीड लाइन बहुत ही कम बची है, बहुत रेयर ब्रीड है। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि इस तरह की ब्रीड पे आप काम करें, ज्यादा हैवी मिल्क लाइन की ये ब्रीड होती हैं, अच्छी दुधारू गायें आपके घरों में पैदा हो पाएंगी। और इस तरह की जो गोवंश है भाई, यकीनन ये भी बहुत अच्छे अच्छे दूध का जीन, दूध वाला जीन है, और प्योर जर्म प्लाज्म, प्योर राठी ब्रीड है जी ये आप देख सकते हैं, जिसका हम बहुत शानदार है, हम बहुत प्यारा हम्प है। और इसका जो हिलते हुए सींग है, गलकंबल है, बहुत ही जबरदस्त गलकंबल है इसका। और जो भी भाई इसको लेना चाहते हैं वो मेरे ऊपर स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क कर लें। जय गौ माता, जय भारत।